हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइस एक्शन की। देखिए, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का सबसे अच्छा और पुराना तरीका है कैंडलस्टिक्स। कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये हमको बताते हैं कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हम देख के और ये इन्फर कर सकते हैं कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ तीन सबसे पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है और ये पैटर्न जब मार्केट में फॉर्म होते हैं तो आप क्या इन्फर कर सकते हो, कैसे आप इनको देख के ट्रेडिंग कर सकते हो। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं वन बाय वन करके आपको ये तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाता हूं और इनका सिग्निफिकेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, सबसे पहला जो पैटर्न है इसका नाम है इनगल्फिंग पैटर्न। इनगल्फिंग पैटर्न है, ये दो तरह का होता है, बुलिश इनगल्फिंग, बेयरिश इनगल्फिंग। यहां पे आप देखिए, ये बुलिश इनगल्फिंग है। जब एक रेड कैंडल को और ग्रीन कैंडल पूरी तरह से इनगल्फ करती है तो इसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, और जब एक ग्रीन कैंडल को और एक रेड कैंडल पूरी तरह से इनगल्फ करती है तो इसको बोलते हैं बेयरिश इनगल्फिंग। तो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, ये आपको कहां पे ढूंढना है। अगर एक डाउन ट्रेंड में बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट यहां से रिवर्स हो सकता है, मार्केट ऊपर जा सकता है। वहीं पे अगर एक अप ट्रेंड में और बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट यहां पे टॉप बना सकता है, यहां से आगे मार्केट नीचे गिर सकता है। तो इनगल्फिंग पैटर्न जो होते हैं, बुलिश इनगल्फिंग और बेयरिश इनगल्फिंग, ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होते हैं। यहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जा सकता है, और बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है तो मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आ सकता है। तो इनगल्फिंग पैटर्न दो तरह के होते हैं, बुलिश इनगल्फिंग, बेयरिश इनगल्फिंग। यहां पे आप देखिए, ये एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है और ये जो रेड कैंडल है इसको पूरी तरह से इनगल्फ किया है इस बड़ी ग्रीन कैंडल ने। तो इस तरह का सेटअप जब एक डाउन ट्रेंड में बनता है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है। तो ये बुलिश इनगल्फिंग है। अब मैं आपको दिखाता हूं बेयरिश इनगल्फिंग। तो ये आप देखिए, ये एक बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न है। यहां पे जो ग्रीन कैंडल है इसको पूरी तरह से इनगल्फ किया है इस बड़ी रेड कैंडल ने। तो जब इस तरह का पैटर्न एक अप ट्रेंड में बनता है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट यहां से नीचे गिर सकता है, ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। तो चलिए अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं और वहां पे लाइव मार्केट में मैं आपको दिखाता हूं इनगल्फिंग पैटर्न्स को। तो देखिए, ये मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे ले आया हूं। यहां पे हम ढूंढते हैं बुलिश इनगल्फिंग और बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न्स को। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है। तो बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न है, ये आपको हमेशा एक अप ट्रेंड में देखना है, और बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, ये आपको हमेशा एक डाउन ट्रेंड में देखना है। तो चलिए यहां पे हम इनगल्फिंग पैटर्न्स को ढूंढते हैं। तो यहां पे आप देखिए, ये मार्केट नीचे से ऊपर आया है और ये जो पैटर्न बना है इसको बोलते हैं बेयरिश इनगल्फिंग। देखिए, एक अप ट्रेंड के एकदम टॉप पे बना है और वहां से मार्केट नीचे गिरा है, मार्केट दोबारा ऊपर गया है लेकिन यहीं पे मार्केट को फिर से रेजिस्टेंस मिला है और मार्केट दोबारा नीचे गिरा है। तो ये जो पैटर्न है ये बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न है। उसी तरह से अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देखिए, ये वाला जो पैटर्न बना है ये है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। लेकिन अब आप देखिए, ये पैटर्न कहां पे बना है, ये एक अप ट्रेंड में बना है, और बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न आपको कहां पे ढूंढना है, एक डाउन ट्रेंड में। लेकिन क्योंकि ये एक अप ट्रेंड में बना है तो अब ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न बन जाता है। बुलिश इनगल्फिंग और बेयरिश इनगल्फिंग ये वैसे तो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, लेकिन अगर एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न अप ट्रेंड में बनता है तो फिर ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न बन जाता है। उसी तरह से अगर एक बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न एक डाउन ट्रेंड में बनता है तो ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न बन जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जो ट्रेंड अभी चल रहा है ये और आगे चल सकता है, ये कंटिन्यू रह सकता है। तो सेम चीज यहां पे हुई है, क्योंकि एक अप ट्रेंड था और अप ट्रेंड में एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, मार्केट अभी और ऊपर जाएगा, और वही यहां पे हमें देखने को भी मिला है। तो चलिए उसी तरह से और पीछे हम चलते हैं। यहां पे आप देखिए, ये ग्रीन कैंडल है और इसको पूरी तरह से इनगल्फ किया है इस बड़ी रेड कैंडल ने। तो ये क्या हो गया, ये एक बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न हो गया, और ये किसके बाद बना है, ये एक डाउन ट्रेंड में बना है। देखिए, ये कोई अप ट्रेंड नहीं है, अगर अप ट्रेंड होता तो ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता, लेकिन क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड में बना है तो ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न हो गया कि मार्केट गिरता हुआ आ रहा है और वहां पे ये पैटर्न बन गया। इसका मतलब मार्केट और गिर सकता है और उसके बाद आप देखिए मार्केट नीचे और गिरा है। तो मतलब अगर एक बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न एक डाउन ट्रेंड में बना है तो एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है कि मार्केट और गिर सकता है या और बढ़ सकता है। तो चलिए उसी तरह से और देखते हैं हम। यहाँ पे आप देखिए, ये जो पैटर्न बना है इसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग। यहाँ पे मार्केट नीचे भी गिरा है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था और डाउन ट्रेंड में आके और फिर यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है। ये जो रेड कैंडल है इसको पूरी तरह से इनगल्फ किया है इस ग्रीन कैंडल ने। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मार्केट यहां से रिवर्स हो सकता है, ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, और देखिए उसके बाद मार्केट ऊपर गया है। तो ये जो पैटर्न्स हैं ये मार्केट में बहुत ब्यूटीफुली वर्क करते हैं, लेकिन आपको इनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो चलिए, ये तो बात होगी पहले पैटर्न की, इनगल्फिंग पैटर्न। मैंने आपको बुलिश
और बियरिश इनगल्फिंग दोनों पैटर्न आपको दिखा दिए हैं, मैंने बता दिया है ये पैटर्न क्या होता है और चार्ट पे भी मैंने आपको ये आइडेंटिफाई करके दिखा दिया है। अब बात करते हैं दूसरे पैटर्न की। तो दूसरा पैटर्न है डोजी। डोजी कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए ये जो कैंडल है इसको बोलते हैं डोजी। डोजी कोई मल्टीपल कैंडल्स का पैटर्न नहीं होता है, डोजी एक सिंगल कैंडल होती है। ये ग्रीन भी हो सकती है, ये रेड भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक डोजी में जो बॉडी होती है ये काफी छोटी होती है और ऊपर और नीचे दोनों तरफ लंबी शैडो होती है जिसको हम विक भी बोलते हैं। तो डोजी कैंडल की फॉर्मेशन इस तरह की होती है। इसका कलर कैसा रहता है वो मैटर नहीं करता है। अगर एक डोजी फॉर्म हो रही है अप ट्रेंड में तो इसका मतलब ये है कि मार्केट वहां से रिवर्स हो सकता है, मार्केट नीचे गिर सकता है। और अगर एक डोजी फॉर्म हो रही है डाउन ट्रेंड में इसका मतलब यह है कि मार्केट यहां से रिवर्स हो सकता है, मार्केट ऊपर जा सकता है। तो डोजी है एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है। अगर ये अप ट्रेंड में फॉर्म होती है तो यहां से मार्केट नीचे गिर सकता है और अगर ये डाउन ट्रेंड में फॉर्म होती है तो मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है। तो ये होती है डोजी कैंडल और इसका कलर है ये मैटर नहीं करता है, ये ग्रीन भी हो सकती है, ये रेड भी हो सकती है। तो ये होती है डोजी कैंडल और ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल होती है कि मार्केट यहां से रिवर्स हो सकता है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो इट मींस कि मार्केट यहां से रिवर्स होकर नीचे जा सकता है और मार्केट अगर नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट यहां से रिवर्स होकर ऊपर जा सकता है। तो चलिए अब चार्ट पे चल के और वहां पे देखते हैं डोजी कैंडल को। तो देखिए अगेन मैं आपको चार्ट पे ले आया हूं, यहां पे हम देखते हैं एक डोजी कैंडल को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया डोजी कैंडल है एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है, तो या तो आपको ये अप ट्रेंड में मिलेगी या एक डाउन ट्रेंड में मिलेगी। यहां पे आप देखिए मार्केट ऊपर से गिरता हुआ नीचे आया है और यहां पे आप देखिए इस कैंडल को आप देखिए ये एक डोजी फॉर्म हुई है। मार्केट ऊपर से नीचे गिरता हुआ आया है और यहाँ पे एक डोजी फॉर्म हुई है और उसके बाद आप देखिए मार्केट ऊपर गया है और यहाँ से मार्केट जब दोबारा गिरा है तो रिवर्स होने से पहले मार्केट ने फिर से एक डोजी बनाई है। ये आप देखिए यहाँ पे अगेन एक डोजी फॉर्म हुई है और उसके बाद मार्केट वापस ऊपर गया है। तो इस डाउन ट्रेंड में आप देखिए यहाँ पे मार्केट ने जब एक पुल बैक दिया वो भी डोजी बना के दिया है और मार्केट जब रिवर्स हुआ तो वो भी डोजी बना के मार्केट रिवर्स हुआ है। तो डोजी कैंडल है ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल होती है। उसी तरह से यहाँ पे आप देखिए मार्केट नीचे गिर रहा था, यहाँ पे ये डोजी फॉर्म हुई है और उसके बाद मार्केट ऊपर गया है तो डोजी बना के मार्केट रिवर्स हुआ है। उसी तरह से अगर मैं आपको और दिखाऊं तो नीचे की तरफ मैंने आपको दिखा दिया है, अगर ऊपर की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए यहाँ पे ये देखिए ये डोजी कैंडल फॉर्म हुई है और दूसरी बात ये इनगल्फिंग पैटर्न भी है। तो यहाँ पे आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते हो। हालांकि ये जो डोजी है ये पिक्चर परफेक्ट नहीं है, इसकी शैडो है वो बहुत बड़ी नहीं है। तो आमतौर पर इस तरह की डोजी अगर बनती है तो उनको हम ट्रेड नहीं करते हैं। डोजी में आपको हमेशा ये देखना है कि जो आपकी शैडो बन रही है वो बड़ी होनी चाहिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो चलिए और देखते हैं। अब आप देखिए मैं एकदम बिल्कुल पीछे चलता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कोविड के टाइम पे मार्केट बड़ी तेजी से नीचे गिरा था। मार्केट 12,000 के लेवल से गिर के और 7,500 के लेवल तक चला गया था और उसके बाद से मार्केट में हमने एक बुल रन को देखा। तो देखिए यहाँ पे जो मार्केट में रिवर्सल हुआ है, ये जो मार्केट गिर रहा था उसके बाद आप देखिए मार्केट रिवर्स कैसे हुआ है। यहाँ पे ये एक पिक्चर परफेक्ट पैटर्न बना है, ये एक डोजी फॉर्म हुई और उसके बाद से मार्केट जो रिवर्स हुआ वो मार्केट का लो था, उसके बाद मार्केट उस लेवल पे कभी गया ही नहीं और हमने एक शानदार बुल रन देखा। तो मार्केट में ये जो इतना बड़ा रिवर्सल हुआ था वो एक डोजी पैटर्न फॉर्म होने के बाद हुआ था। तो डोजी है ये आपको हमेशा एक रिवर्सल पे देखने को मिलेगी। इधर यू विल सी ए इनगल्फिंग पैटर्न और यू विल सी ए डोजी। तो डोजी है ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, ये आपको या तो एक डाउन ट्रेंड के एंड में मिलेगा या एक अप ट्रेंड के टॉप पे मिलेगा। और अगर डोजी फॉर्म हो रहा है तो आपको अलर्ट हो जाना है, ये मार्केट का रिवर्सल हो सकता है। तो चलिए ये हमारा दूसरा पैटर्न है जिसका नाम है डोजी। अब बात करते हैं तीसरे पैटर्न की। तो चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो तीसरा कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो है एक हैमर। हैमर होता है ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न भी होता है और ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी होता है। ये कहां पे फॉर्म हो रहा है वो डिसाइड करता है कि एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न होगा या एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होगा। तो हैमर इस तरह से फॉर्म होता है, जो बॉडी होती है ये ऊपर की तरफ होती है और नीचे की तरफ एक लंबी टेल होती है, एक लंबी शैडो होती है। और इस तरह का पैटर्न अगर एक डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है, मार्केट यहां से ट्रेंड को रिवर्स कर सकता है। तो ये पैटर्न आपको हमेशा एक डाउन ट्रेंड में देखना है, अप ट्रेंड में आपको ये पैटर्न नहीं ढूंढना है। डाउन ट्रेंड में अगर ये फॉर्म होता है तभी इसके सिग्निफिकेंस है। और अगर ये पैटर्न फॉर्म होता है तो हम ये इन्फर कर सकते हैं कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है। तो चलिए ये भी मैं आपको चार्ट पे लेके चल के दिखा देता हूं। तो चलिए ये अब मैं आपको चार्ट पे ले आया हूं और यहां पे अब मैं आपको दिखाता हूं एक हैमर को। तो देखिए हैमर जो पैटर्न है इसमें काफी वैरायटी आ जाती है। एक हैंगिंग मैन होता है वो भी हैमर जैसा दिखता है, एक शूटिंग स्टार होता है वो भी एक इन्वर्टेड हैमर जैसा दिखता है। तो हैमर पे मैं अलग वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन आज मैं आपको दिखा देता हूं कि हैमर को ट्रेड कैसे करना है, क्योंकि हैमर में वैरायटी है, यहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये आप देखिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न बना है। ये एक बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट हैमर है। यहाँ पे देखिए ये इसकी बॉडी है,
यहां मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये इसकी बॉडी है और नीचे की तरफ आप देखिए जो टेल है वो काफी लंबी है और ऊपर की तरफ वीक है, ये काफी छोटी है। तो हैमर इसी तरह से बनता है और जब ये डाउन ट्रेंड में बनता है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर ये एक अप ट्रेंड में बन रहा है तो ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो मार्केट और ऊपर जा सकता है। तो देखिए वही यहाँ पे हुआ है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर आता है और यहाँ पे ये पैटर्न बनता है। तो इसको आप कंफर्मेशन ले सकते हो कि मार्केट जो रिवर्स हुआ है उसका कंफर्मेशन यहाँ पे इस हैमर ने दे दिया है। इसका हाई अब अगर ब्रीच होता है तो आप बाई कर सकते हो, और उसके बाद आप देखिए मार्केट किस तरह से ऊपर गया है। तो हैमर है ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न भी होता है और ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी होता है। अगर ये एक डाउन ट्रेंड में बना है तो एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, और अगर ये एक अप ट्रेंड में बना है तो एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो चलिए और ढूंढते हैं। यहाँ पे आप देखिए अगेन एक बहुत पिक्चर परफेक्ट पैटर्न बना है, ये यहाँ पे एक हैमर फॉर्म हुआ है और ये एक डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्म हुआ है, और उसके बाद आप देखिए लगातार दो दिन मार्केट में गैप अप हुआ है, मार्केट ऊपर गया है। तो यहाँ पे भी आप बाई इनिशिएट कर सकते थे, अब देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर जाके और वापस नीचे आ गया है। तो आपको प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है उसका भी यहाँ पे रूल होता है। मैं आज आपको सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न बता रहा हूं, यहाँ पे आपको प्रॉफिट कैसे बुक करना है, आपको प्रॉफिट टारगेट कितना होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए बाई कर सकते हो और मार्केट ऊपर जाके वापस रिवर्स हुआ है। तो यहाँ पे ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आप प्रॉफिट कहां पे बुक कर रहे हो, क्योंकि अगर आप इस ट्रेड में रहोगे तो यहां पे देखिए आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा क्योंकि मार्केट वापस नीचे आ गया है। तो प्रॉफिट आपको कहां पे बुक करना है उसका भी एक रूल होता है, वो मैं आपको किसी अलग वीडियो में बताऊंगा। उसी तरह से अगर मैं और नीचे चलूं तो आप देखिए ये देखिए यहाँ पे ये जो है ये एक इन्वर्टेड हैमर है, इसका मतलब होता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है। तो इन्वर्टेड हैमर है, ये भी एक वैरायटी है। इन्वर्टेड हैमर हो गया या शूटिंग स्टार हो गया या हैंगिंग मैन हो गया, ये सभी हैमर होते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा जो स्पेशली हैमर पे होगा, और हैमर कितने टाइप के होते हैं वो मैं उस वीडियो में बताऊंगा। अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ये एक हैमर फॉर्म हुआ है और उसके बाद मार्केट ऊपर गया है, लेकिन इसका कलर है ये रेड है। तो क्या आप इसको ट्रेड कर सकते हो या नहीं, इसके अलग रूल है। बिल्कुल आप यहाँ पे भी बाय इनिशिएट कर सकते हो, लेकिन किन कंडीशन में, जो ट्रेंड है वो क्या होना चाहिए, ये सब डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए एक हैमर को ट्रेड करने के लिए। अगर एक हैमर डाउन ट्रेंड में बना है और उसका कलर रेड है तो भी आप वहां पे बाय कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स हैं, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही है तभी आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो चलिए ये हैं वो तीन कैंडलस्टिक पैटर्न जो बहुत अच्छा वर्क करते हैं मार्केट में, लेकिन आपको इस पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मार्केट में जब आप देखने जाओगे तो चार्ट पे आपको इस तरह के काफी पैटर्न मिलेंगे, तो आप इजीली वहां पे कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए वहां पे आप टाइम दीजिए। जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आप इनको अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कहां पे मुझे इस पैटर्न को ट्रेड करना है और कहां पे इसको नहीं करना है। और स्पेशली ये कंफ्यूजन आपको हैमर में हो सकता है, इसलिए हैमर पे मैं अलग वीडियो लेके आऊंगा। तो आज मैंने आपके साथ तीन कैंडलस्टिक पैटर्न शेयर किए हैं, पहला है इंगल्फिंग पैटर्न, दूसरा है डोजी और तीसरा है हैमर। ये तीनों ही मार्केट में बहुत अच्छा वर्क करते हैं, और अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हो तो ये टूल आपके पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन पैटर्न से आप ये इन्फर कर सकते हो कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।